ताप्तान में 600 कमरों का आइसोलेशन सेंटर बना रहे हैं। 2 रोज में मजीद करंटीना सेंटर्स बनाएंगे। अमेरिका में जो वेंटिलेटर्स हैं वो इस्तेमाल शुदा हैं। कोशिश है एक मरीज एक ही कमरे में हो। चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं गुज़श्ता रोज 10 स्कैनर्स और 20,000 किट्स पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। 1.5 मिलियन मास्क पंजाब के लिए मुख्तस किए हैं जो 1-2 रोज में पहुंच जाएंगे। आइंदा 10 से 12 रोज में 80,000 टेस्ट किट्स भी मिल जाएंगी। इंशाल्लाह अगले 2 से 3 दिनों के अंदर चमन में भी और ताफ्तान में, ताफ्तान के अंदर हम तकरीबन 600 कमरों का निज़ाम खड़ा कर रहे हैं, चमन में 300 कमरों का और खैबर में दोबारा मैं ये बता देता हूँ कि 100 कमरों का होगा। और अमेरिका में भी इस वक्त जो वेंटिलेटर्स वगैरह मौजूद हैं वो सारे इस्तेमाल शुदा हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस निज़ाम को हमने उन्हें एडवाइस भी किया है और हम उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि इस निज़ाम को दोबारा बेहतर बना लें ताकि एक आदमी एक कमरे में हो। कल रात 10 स्कैनर और 20,000 टेस्ट की किट्स जो हैं वो पाकिस्तान में पहुंच गई हैं। हम लोगों ने जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट स्पेशली मास्क जो हैं 1.5 मिलियन पंजाब के लिए, ये मास्क अगले 1 से 2 दिनों में पहुंचेंगे। अगले 10 से 12 दिनों में हमें तकरीबन 80,000 जो टेस्टिंग किट्स हैं वो मिल जाएंगी।